एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित एवं विज्ञान के प्रश्नों को हल प्रश्न पत्र देखेंगे। सीटेट 2023 परीक्षा जो 20 अगस्त को संपन्न हुई थी, उसमें हम आज गणित के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 15,972 रुपये हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक अर्धवार्षिक संयोजित होता है, वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी? वार्षिक ब्याज संयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर है विकल्प पहला, 15,840 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रेखा ए बी पर बिंदु पी स्थित है तथा पी क्यू एक किरण इस प्रकार है कि कोण पी क्यू पी ए बराबर 7x और क्यू पी बी बराबर 5x, तब 8x माइनस 10 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर है विकल्प 4, 110 डिग्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपये में बेचता है तो वह उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु को बी को 400 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर है पहला, 6.5% का लाभ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर यस एक बिंदु है इस प्रकार स्थित है कि आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस के, यदि कोण क्यू आर क्यू पी आर बराबर 15 डिग्री है तो 2 कोण पी क्यू आर माइनस कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर है विकल्प 4, इसका मान 60 डिग्री आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि x बराबर √198 मल्टीप्लाई √550 और y बराबर √99 मल्टीप्लाई √363 है तो 1/x और 1/y बराबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर है विकल्प 4, 0.03 बार इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर है विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर है विकल्प ए, 1.73 × 10^11। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर है पहला, 7/16 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर है विकल्प 4, अर्थात इसका सही उत्तर है 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर है विकल्प दो, 86.4 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 4620 सेमी घन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर है पहला, 2640 सेमी घन स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एफ वी और ई क्रमशः त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलके हैं, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर है विकल्प 4, 2f + 3v - 2e = 10। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यदि 5x²-8y - 20x + 2xy ((x + a, b, x + 2y) है तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर है विकल्प 2, -9 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर है विकल्प 3, 8 उत्तर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर है विकल्प 2, ए और डी दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर है विकल्प 2, 3x(2x+3) = 5(x+1). चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46
नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक और माध्य और परिषद का माध्य क्या होगा? तो पहले हम इसका बहुलक निकाल लेंगे, इसके बाद माध्य निकाल लेंगे, इसके बाद परिषद निकाल लेंगे, इसके बाद तीनों का माध्य निकाल लेंगे, इसके बाद पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर है विकल्प एक, क्वेश्चन 13 आएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ए डी बी 25 डिग्री है तथा टू कोण बी ए डी माइनस टू माइनस कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर है विकल्प दो, 210 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। पी क्यू आर एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी एस और आर क्यू बराबर आर एस है, इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर है ऑप्शन दो, प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण समविभाजित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर है विकल्प चार, 352 आएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर है विकल्प चार, इसका सही उत्तर है 15। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर है विकल्प तीन, क्वेश्चन नंबर 51 का विकल्प तीन सही है, ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर है विकल्प एक, सामान्यीकरण सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर है विकल्प तीन, अधिगमकर्ताओं के उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों पर चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों का को पार करते हुए एक रेल पटरी, दो या अधिक सड़कों को पार करते हुए एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला में एच और जेड इत्यादि। इसमें से क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर है विकल्प एक, बी और सी दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर है पहला, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर है विकल्प तीन, ए और बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर है विकल्प तीन, गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त होती है और पदानुक्रमित है जो उस बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर है विकल्प चार, एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए गए हुए उदाहरण होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का सही विकल्प है विकल्प दो, क्वेश्चन नंबर 59 का विकल्प दो सही है, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, गणित में एक कंजक्चर है, क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर है विकल्प तीन, एक प्रतिजप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।